नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस सुरक्षा में हत्या के बाद यूपी का माहौल काफी गरमाया हुआ। हालांकि हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों ने उसी वक्त सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब एसआईटी ने तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई। अब माना जा रहा है कि एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे करवा सकती है। 15 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एसआईटी जानना चाहेगी, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का राज खुलकर सामने आ जाएगा। तो चलिए आपको वो 15 सवाल बता देते हैं जिसे एसआईटी द्वारा तीनों आरोपियों से पूछा जा सकता है। अतीक और अशरफ को क्यों मारा? इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? हथियार कहां से मिले? फंडिंग कहां से मिली? हत्याकांड की प्लानिंग किसने और कैसे की? दोहरे हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल? क्या सुपारी लेकर हत्या की गई है? तीनों एक दूसरे से कैसे मिले? क्या तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? जिस बाइक से आए वो कहां से मिली? मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से और कैसे मिला? बिना मोबाइल के कैसे इकट्ठा हुए? मार कर भागे क्यों नहीं? क्या सिर्फ माफिया बनने के लिए यह हत्या की? क्या पहले भी किसी माफिया के लिए काम किया? तो ये वो 15 सवाल हैं जो पुलिस रिमांड में तीनों आरोपियों से पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि अतीक हत्याकांड में शामिल सनी हमीरपुर, अरुण कासगंज और लवलेश तिवारी बांदा जिले का रहने वाला। लवलेश तिवारी बीच सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है और तीनों के ही पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड। आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें तीनों आरोपी नकली पत्रकार बनकर आए थे। तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 18 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें दोनों ही भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि यह हत्याकांड यूपी की कानून व्यवस्था के गाल पर जोरदार तमाचा था। खैर, अब तीनों आरोपी पुलिस रिमांड में क्या कुछ खुलासा करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और योगी सरकार का अगला कदम क्या होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा।